हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो गैस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ विटामिन ई सप्लीमेंट के बारे में। विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है, इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कितनी डोज लेनी है, कितने लंबे टाइम तक आप लोग इस सप्लीमेंट को यूज कर सकते हैं, नेचुरल सोर्स कौन से है जिसके अंदर आप लोगों को विटामिन ई मिलता है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और फिटनेस के अंदर और बॉडी बिल्डिंग के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं विटामिन ई के। तो चले गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, यहां पे सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आप लोगों को विटामिन ई के क्या हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले आप लोगों की स्किन टाइट रहेगी, मतलब कि स्किन टोन बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कोलाजन होता है। आप लोगों ने जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट देखे होंगे जो कि आपकी स्किन को टाइट रखते हैं, अच्छा बनाते हैं, स्किन हेल्थ को सही रखते हैं, उसके अंदर कोलाजन होता है जो कि विटामिन ई से मिलता है। तो विटामिन ई आपकी स्किन हेल्थ को अच्छा रखता है, आपकी हेयर ग्रोथ को, नेल्स को, आपका जो विजन होता है उसको तेज करता है, आप लोगों का ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप लोगों के मसल गेन होने शुरू हो जाएंगे, आप लोगों की बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और स्पेशली जिन लोगों का फैटी लीवर है, जो लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते या फिर कोई भी नशे की चीज़ नहीं खाते, अल्कोहल नहीं पीते, अगर आप लोगों को फैटी लीवर है, ये आपके फैटी लीवर को ठीक करने में आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है एंड आप लोगों के ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस लेवल को डाउन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को विटामिन ई के बेनिफिट मिलते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं अगर आप लोग डेली का एक कैप्सूल खाते हैं विटामिन ई का। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो आप लोग एक दिन के अंदर एक कैप्सूल ले सकते हैं विटामिन ई का, जो कि आप लोगों को 200 mg के अंदर मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को 400 mg और 800 mg पैकिंग के अंदर मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, 200 या फिर 400 वाला ही एक कैप्सूल एक दिन में खाना है। अगर कम डोज लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस कि कितने लंबे टाइम तक आप लोग विटामिन ई के कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग सप्लीमेंट के थ्रू ले रहे हैं। तो 3 महीने से ज़्यादा आप लोगों को इसको यूज़ नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आप लोगों को मिलेंगे इसके साइड इफेक्ट्स। अगर मैं यहाँ पे साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो नोजिया, वोमिट, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, आप लोगों की बॉडी बहुत ही जल्दी थक जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, आप लोगों को ब्लरी दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और आपका जो मन है वो खट्टा खट्टा सा रहेगा, मतलब कुछ खाने को दिल नहीं करेगा, आपको हेडेक जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये साइड इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस, अब यहाँ पे बात करते हैं कौन से वो नेचुरल सोर्स है जिनके अंदर आप लोगों को विटामिन ई अच्छी मात्रा के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहला सोर्स सनफ्लावर सीड्स, वीट जर्म ऑयल, इनके अंदर आपको अच्छी मात्रा के अंदर विटामिन ई मिल जाएगा। फिर आपका पीनट बटर हो गया, वॉलनट हो गया, आलमंड होगा, इसके अंदर भी आपको अच्छी मात्रा के अंदर विटामिन ई मिल जाएगा। एंड वेजिटेबल्स के बारे में बात करूँ तो ये आपको टमाटर के अंदर मिलेगा, पालक के अंदर मिलेगा, और साथ ही साथ ब्रोकली के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और फ्रूट्स के अंदर ये आप लोगों को कीवी फल के अंदर मिलेगा, मैंगो के अंदर मिलेगा, और साथ ही साथ एवोकाडो के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस, ये थी सारी की सारी डिटेल्स जो कि मैंने आप लोगों को दे दी है कि भाई विटामिन ए के बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितनी डोज लेनी है, कितने लंबे टाइम तक यूज़ करना है, सारा कुछ आपको बता दिया। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो भाई मुझे सीधा DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई आपको मिल जाएगा, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा वहाँ पे कि ये करना है, ऐसे करना है, ये है वो है, तो सब कुछ बता देंगे भाई। टेंशन नहीं लेनी, बस इस्तेमाल करना है और तगड़ी बॉडी बनानी है या फिर अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो गाइस, यही थी मेरी आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक बन करना है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को क्या करना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी तरह आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि आप लोगों की बॉडी बनाने में और आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चले गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड।